टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। नोएडा के बाद बुलंदशहर में भी होमगार्ड में मानदेय में घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। जांच में सामने आया है कि यहां भी होमगार्ड ड्यूटी में बड़ा खेल और मानदेय में बड़ा घोटाला हुआ था। दरअसल शिकायत के बाद बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एसपी सिटी अतुल कुमार को जांच सौंपी थी। जांच के बाद घोटाले की बात सामने आई, जिसके बाद बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार के आदेश पर बुलंदशहर नगर कोतवाली में कई जिम्मेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। एसएसपी की ओर से दावा किया गया कि 7 थानों के होमगार्डों की ड्यूटी में बड़ा घोटाला मिला, जबकि 100 से अधिक होमगार्डों का फर्जी तरीके से मानदेय लेने का मामला सामने आया है। अभी भी 20 थानों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद कई जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। बुलंदशहर नगर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर में कई जिम्मेदारों के नाम शामिल है। हालांकि एसएसपी ने अभी मुकदमे में अभियुक्तों के नाम नहीं बताए। एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम यहां गठित की गई थी, जिसे मुख्य रूप से देखना था कि होमगार्ड के जितने कर्मचारियों ने पिछले महीने या इस पूरे वर्ष में यहां पे ड्यूटी की, क्या केवल उन्हीं को भुगतान किया गया या कम कार्य दिवस काम करने के बाद अधिक भुगतान किया गया। तो एक प्राथमिक जाँच एसपी सिटी साहब द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसमें पाया गया है कि इसमें अनियमितता काफ़ी बरती गई है। उस आधार पर लगभग 7 थानों के जांच रिपोर्ट के आधार पर एक अभियोग कल रात को कोतवाली नगर में दर्ज किया गया है। अपराध जो है 420, 467, 471, 218, 409 IPC और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुआ है। और इसमें ये पाया गया जाँच में कि बहुत से ऐसे होमगार्ड थे जिन्होंने कम कार्य दिवस काम करके, कम मानव दिवस कार्य करके अधिक जो है आहरण किया है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। अभी अभियुक्तों के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तत्समय जहां जहां पर जिन जिन लोगों ने वेरीफाई किया है वो हमारी विवेचना का पार्ट है। विवेचना में वो नाम प्रकाश में आएंगे और जो भी लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये माना जाए जांच के बाद जिस तरह के तथ्य निकल आते हैं, सर इसमें बड़ी मछली भी आ सकती है और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? निश्चित तौर पर इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और होगी, और काफ़ी कुछ साक्ष्य हमारे पास है जिनसे कम से कम इतना साबित है कि जिन लोगों ने ड्यूटी या तो नहीं की या कम कार्य दिवस ड्यूटी की उनको अधिक भुगतान किया गया। तो अलग अलग महीनों के अलग अलग थानों की चूँकि रिपोर्ट है और हर जगह वेरीफाई करने वाले और भुगतान करने वाले अधिकारी अलग अलग रहे हैं, तो इसीलिए विवेचना की आवश्यकता है कि एक एक को चिन्हित करके और उसी के सापेक्ष उसका अपराध निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाए। मगर एसएसपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।